महादेव के पास त्रिशूल और डमरू कैसे आया, जानिए रहस्य। भगवान शिव का प्रिय सावन महीना अभी चालू है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक बेहद ही रहस्यमयी बात बताने वाले हैं कि भगवान शिव जी के पास जो त्रिशूल, डमरू और सांप है वो उनके पास कहाँ से आए, और जानेंगे उनके पीछे छुपे रहस्य। वैसे हम सब जानते हैं कि महादेव सभी तरह के अस्त्र शस्त्र को चलाने में माहिर है, और भगवान शिव के प्रमुख अस्त्र की बात करें तो उनका प्रमुख अस्त्र त्रिशूल है। इसके पीछे का रहस्य भी आपको बता देते हैं कि जब इस सृष्टि की रचना हुई तभी ब्रह्मनाद से भगवान शिव प्रकट हुए और उनके साथ राज, तम और सद्गुण भी प्रकट हुए, और यह तीनों गुणों को मिलाकर भी भगवान शिव का शूल यानी कि त्रिशूल बना। अब बात करें डमरू के बारे में, तो हम देव के साथ में डमरू कैसे आया, तो जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ तभी सरस्वती भी उत्पन्न हुई, तभी वीणा के स्वर में सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ, उसी समय भगवान शिव भी नृत्य करने लगे और 14 बार डमरू बजाया, और इसी से ध्वनि के व्याकरण के साथ साथ संगीत के धन ताल का जन्म हुआ। इस तरह से शिव जी के डमरू की उत्पत्ति हुई। अब बात के भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा के बारे में, तो हमारे पुराणों में ऐसा बताया गया है कि चंद्रमा को राजा दक्ष द्वारा श्राप दिया गया था, जिससे बचने के लिए चंद्रमा ने शिव जी की घोर तपस्या की, जिससे खुश होकर शिव जी ने उनके जीवन की रक्षा की और हमेशा के लिए अपने शीश पर धारण कर लिया। अब बात करते हैं सांप के बारे में, तो यह नाग देवों के राजा वासुकी है, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और हमेशा के लिए अपने गले में आभूषण के रूप में स्वीकार कर लिया।